So yes, besties, finally I'm going for my first international trip. और अपडेट में देती रहूंगी. सो लेट्स गो, मेरी कैब आ गई नीचे एंड दिस इज माय ओटीडी. सो फाइनली आई रीच, आई एम वेटिंग फॉर द बटलर टू कम, क्योंकि उसी के पास सब कुछ है, टिकट्स भी उसके पास ही है. तो शिट, लाइक बिकॉज़ आई कांट फाइंड एनीथिंग ऑन दिस शिट. हमें चेकिंग वाले जो मिले थे उन्होंने बोला आप सिंगापुर से? मैंने कहा नहीं, इंडिया से हूँ. मैंने कहा अच्छा, मैं आप लगते हो हमारे यहाँ के. मैंने कहा आप कहाँ से हो? कहते दार्जिलिंग. मैंने कहा ओ वाह, मैं भी दार्जिलिंग से हूँ. फिर मेरी मम्मा होती तो यहाँ बहुत खुश हो जाती है, शिल भी लाइक उनसे बातें करने लगती खड़े हो गए. फाइनली हम लोग ने अपना बोर्डिंग पास ले लिया और अभी हम ये कहाँ स्टैम्प लगवाना है. अभी हम उस पर इमिग्रेशन पे हैं, उसके बाद फिर सिक्योरिटी चेक. भाई मैं अकेले नहीं कर पाती ये सब. Stamped. Bali. Next boarding pass. They're gonna take my passport ki virginity. That's how they took the virginity off. अभी लगनी है, एक और लगनी है. तो virginity तो lose कर दी ना. वहाँ पे arrival की भी लगी. It's red now. Oh my god. Now we are at liquor store और हम लोग क्या कर रहे हैं? शराब. Book कर दे. Free book कर रहे हैं. उससे क्या होता है? इससे जैसे कि अब मैं ब्लू लेवल की बॉटल लूंगा तो मुझे एडिशनल 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर मैं वापसी का टाइम कलेक्ट करूं तो. ठीक है, तो इससे आपको फायदा मिलेगा जो कि हम कर रहे हैं. इससे शॉपिंग हो गई, वो भी कितने खर्च हो गए? 30,000 रुपये का. 30,000 रुपये की दारू कौन खरीदता है भाई? मुझे मैं खरीदता हूँ. ड्यूटी फ्री, इट लुक्स लाइक दिस. दिस इज द ड्यूटी फ्री. मैंने कुछ देखा विक्टोरिया सीक्रेट. कुछ समझ नहीं आ रहा. पर वहाँ पे बाद में खिला दूँ. आज ट्यूजडे हम नहीं खा. क्या है इतना मस्त दिख रहा है हंगर पहलवान. We are waiting for food. हम लोग एक्चुअली मैकडोनल्ड्स खा रहे हैं बिकॉज मैंने और बटलर ने पहले डिसाइड किया था कि हम मैकडोनल्ड्स खाएंगे एयरपोर्ट पे. सो हियर वी गो, वी आर ईटिंग मैकडोनल्ड्स, माई फेवरेट. जानना होगा कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, लाइक इनसाइड मी आई नाउ. ऑनेस्टली स्पीकिंग आई एम एक्साइटेड बट नॉट दैट मच बिकॉज मेरी फटी पड़ी है. घर पे तो मैं बिल्कुल एक्साइटेड नहीं थी. ठीक है, और क्योंकि मुझे लग रहा था कभी मेरा पासपोर्ट ना छूट जाए, कभी कुछ ना छूट जाए. टचवुड, ऐसा कुछ हुआ नहीं अभी तक. बट मैं एक्साइटेड नहीं हूँ बिकॉज मैं ज़्यादा नर्वस. एक्साइटमेंट और नर्वस में ज़्यादा, मेरी नर्वस वाले लेवल ज़्यादा, एक्साइटमेंट ही कम. बिकॉज बहुत लंबी फ्लाइट होने वाली है गाइस. मैंने इतनी लंबी फ्लाइट में कभी ट्रैवल नहीं किया. तो या हैव आवर फूड हियर. वी आर ईटिंग मैकडोनल्ड, जैसे कि मैंने बताया था हम डिसाइड करे थे. तो दिस इज द रैप. वेज खा रहे हैं बिकॉज आज ट्यूजडे है. चेयर्स बेस्टी. वाला मैं मैंने कभी वेज रैप नहीं खाया. कभी नहीं खाया. ठीक लगा. अच्छा क्या? चिकन वाली बात नहीं, लेकिन ठीक है. कोई पापा वाइट दे रहा है तो जल्दी जल्दी, मतलब टाइम से पहले पहुंचाना चाहता है. एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, बिल्कुल सही टाइम पे चल रहा है. नहीं है मेरे पास. मांगे किसी ने? तुम्हारा वॉलेट तो मेरे पास है, छुट्टे दोगी की कैसे? मेरा वॉलेट तो मेरे पास है. किसकी दूर है? पापा वाइब. 14 दूर है. जॉर्डन्स गैंग. आई लाइक योर शू कलर. अच्छा है ना कलर का? हां, वेरी पॉपी सा. यस, ब्लैक आउटफिट के साथ वैसे बिल्कुल लग से बढ़िया लग रहा है. यस सो, एंड आई लाइक योर बैग आल्सो. ऊ, चॉइस तो मेरी है ना? चॉइस तुम्हारी है. रिस्किंग माय फोन राइट नाउ. ये पहले चलता था ना, उसके क्या डांस करते थे मुझे पता नहीं. सम डांस सम मुझे आता है. तो फाइनली
we are at our gate. Thanks, butler. Oh God, I'm so tired. इतने में मैं थक गई हूँ अभी तो भाई, और हालत खराब होगी. अभी तो वार्म अप हो रहा है. अभी 10:25 की फ्लाइट है. ओह गॉड, मुझे नींद की दवाइयाँ चाहिए. टाइम हो चुका है बट कुछ हो नहीं रहा, तो लेट्स चेंज माय शूज. फाइनली कंफर्टेबल. फाइनली वी आर गोइंग. यस सो हम लोग आधा घंटा लेट ऑलरेडी. अभी बटर ने चूज कर लिया विंडो सीट, और अगर कोई हॉट सा लड़का मेरे बगल में आके बैठ गया तो हम नहीं चेंज करेंगे सीट. आई नीड अ शेयर इन योर ड्रीम्स. कोई हॉट सा लड़का बैठेगा. ओह लेट्स सी. मुझे उम्मीदें बहुत ज्यादा है. I need a sugar rush. Are you excited? Of course I am. Tum bhi excited? First time international flight kar rahi ho. How are you feeling? I am excited but at the same time I'm like nervous at the same time. Mujhe abhi se back mein dard ho rahi hai. This is the best moment of my life. Mere bagal mein koi nahi baitha. But main chahti thi sugar daddy baithe, but koi baat nahi. परेशान करना पसंद नहीं लोगों को, तो नाउ आई कैन इजीली पी. टेक ऑफ हो रहा है. वी आर गोइंग फाइनली. निकले लेट है, पहुंचेंगे भी लेट. सो गाइज, अपडेट यही है कि मैं अभी वॉशरूम में हूँ, पी करने आई थी. अच्छी बात है कि पूरी फ्लाइट में मुझे अब एक ही बार पी करना पड़ा है. एंड द थिंग इज, मैं 4 घंटे सो रही हुई हूँ, अब 1 घंटे की फ्लाइट बाकी है. उसके बाद हमारे लिए ओवर है, देन वी हैव टू चेंज द फ्लाइट. सो लेट्स गो बैक टू माय सीट. बेतना बेसिकली, और हम पहुँच गए हैं. वाओ, इट लुक्स सेम दो, पता चलेगा. और हम लोग नीचे जाएंगे तो हम बाहर नहीं जा पाएंगे. वैसे भी मेरी फेस बहुत अच्छी आ रही है. हम लोग अभी वियतनाम पहुंच गए हैं. हम अब बाली की फ्लाइट लेने वाले हैं. मुझे लैंडिंग के टाइम पे इतना वियर्ड सा लग रहा था, बहुत ज़्यादा. मुझे ऐसा लगा मैं थ्रो अप, आई फील लाइक टू थ्रो अप. एंड देन थोड़ा मैं ठीक हूँ, मुझे बेटर लग रहा है. आई जस्ट वॉन्ट टू रीच बाली एज सून एज पॉसिबल. मैं मस्त हो गई हूँ. द बेस्ट पार्ट अबाउट द, मेरी साइड वाली सीट खाली थी, मैं मस्त उसमें बिंदास अपने पैर फैल के पूरा फैल के तो ऐसे थे वो सब कोड़ी हो खराटे ही मार रही है. वियतनाम एयरपोर्ट्स लुक लाइक 47,000 वियतनाम डॉन्ग्स, और इन सिंपल वर्ड्स $2. ओके, बोतल. यस, $2 इतनी छोटी सी 500 ml की बोतल. लूट मचा रखी है वियतनाम का वेदर. ओके, वैसे तो दिल्ली ऐसा ही है गर्मी. फाइनली बाली के लिए निकल रहे हैं गाइस. आई एम नॉट एक्साइटेड एनी मोर. अब मेरे को और थकावट हो रही है. मेरे को लग रहा है कि मैं और अब कैसे करूँगी. वैसे तो देखो, हमें पुरानी वाली सीट तो बड़ी अच्छी मिली थी, उससे सारा बताऊँगी मैं तुम्हें कैसे कैसे हमने क्या क्या किया, बट एक बार चैन से बैठ जाए गाइस. अब हम लोग फ्लाइट में हैं और अब हम जा रहे हैं फाइनली बाली. और बटलर के लिए हमने एक लड़की ढूंढी है जो कि मेरे वैसे उसको समझ नहीं आ रहा, मेरे बगल में बैठी है. ही इज वेरी हैप्पी ब्लश. बट मैंने बोला बीच में बैठने के लिए, बट हमारा बटलर शर्मिल है तो वो बैठा नहीं बीच में. बट एंड ऑफ द फ्लाइट ही विल गिव हर और ही विल आस्क हर नंबर और समथिंग लाइक दैट. नंबर के क्या करूँ, ना मेरे को उसकी भाषा आती. तुमने उससे इंग्लिश में बात करी तो उसको इंग्लिश आती है. ठीक है, तो डाय बोल रही थी वो. इट्स ओके, हो जाता है. बटलर की फ्यूचर गर्लफ्रेंड उठ के चली गई है, विच इज़ अ गुड पार्ट बिकॉज वी गॉट एन एक्स्ट्रा सीट एंड आई कैन स्लीप. कुछ खा लो भाई, तो तू कुछ खा लो. रो मत, रो मत, आ जाएगी वापस, तुम्हें नंबर दिला देंगे. मस्त रो मत.
काम करना, अपना ठिकाना ढूंढ लेना, वही रहेगी मेरे साथ पूरे ट्रिप को। What do you mean, अपना ठिकाना ढूंढ लेना? अपना ठिकाना ढूंढ लेना, वही रहेगी पूरे ट्रिप में मेरे साथ। अपना ठिकाना बेसिकली मुझे ना यहीं का समझ रहे हैं, एंड शी कम टू मी, शी इज लाइक छंटा पॉइंट नोइंग वन एज अ दो बार हो चुका ना तुम्हारे साथ, दो बार हो चुका जब से निकले हैं, जब से निकले ये लोग मुझे यहीं का समझ रहे हैं। अरे पहले दिल्ली एयरपोर्ट पे तो बोलते थे मैडम कहाँ से, हाँ वही तो दिल्ली एयरपोर्ट वो सिक्योरिटी होता है, सीआईएसएफ सीआईएसएफ वाला, मैंने पूछा तो बोला तो बताया था ना सबके वाली कहानी, सीआईएसएफ वाला गार्ड पूछ रहा मैम आप सिंगापुर से, सब लोग मुझसे अपनी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, शिंगटा मोई मोई, बट मैं नहीं हूँ, मैं इनको नहीं पता कि मैं इंडियन हूँ। वो तो मैं तो भाई इंडियन लगती हूँ, मैं तो इंडियन लगती हूँ यार, मुझे तो मैं इंडियन लगती हूँ, क्या बात है। It's been more than 3 hours in this flight. और ये flight 3 घंटे में पहुँचाने वाली थी, I don't know what's going on. अब मैं बहुत परेशान हो गई है, एंड आई वॉन्ट टू गो आउट, आई वॉन्ट टू स्टैंड, आई डोंट वॉन्ट टू सिट एनी मोर इन दिस प्लेन, आई एम टोटली फ्रस्ट्रेटेड बेस्टीज। So good over here. Yes, sir. I love the lighting. Oh my god. Bali's airport. इतनी गंदी लग रही है जैसे मैं कब बरसों से नहीं नहाई. Basically, feel like मैं बरसों से नहीं नहाई. I need to take a shower. Yes. You have to be in this huge line for your COVID certificate. They don't want your RT-PCR, but they want your COVID certificate. Like you are fully vaccinated or not. हम उसके लिए वेट कर रहे हैं और मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं है, तो आई डोंट नो मैं कितना ब्लॉक कर पाऊँगी। इफ आई गेट द प्लग सो आई विल चार्ज माई फ़ोन ऑल्सो। सो तीसरी दिन लाइन है, अपना वीज़ा लेने जा रहे हैं, आ रहे हैं फॉर आर वीज़ा, और आप देख सकते हो हम $30 में पे कर रहे हैं, विच इज़ $35. Yes, sir. Grab our baggage and we'll eat something. I hope यहाँ पे Starbucks है, we are hoping that. लेकिन उन्होंने मेरा बैग तोड़ दिया, ये देखो ये पूरा तोड़ दिया उन्होंने, देख रहे हो, बता था कि इंटरनेशनल फ्लाइट में ऐसी बदतमीजी होती है, मेरा बैग तोड़ दिया भाई। लगा था कि हम फाइनली फ्री हो गए हैं, अब कस्टम की लाइन लग गई, चुपके से रिकॉर्ड कर रही हूँ बिकॉज नो कैमरा चला हुआ है यहाँ पर, घर भेज देते हैं और सीएगर भी इसे पकड़े जाओ। वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, हम लोग ना कस्टम क्लियर की ना जो लाइन है ना उसमें ऐसी लग गए थे, हमने फॉर्म नहीं फिल करा था बेसिकली, तो आपको फॉर्म फिल करना पड़ता है डिक्लेरेशन का, हाँ तो प्लीज़ आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखना, गलती मत करना, बिकॉज ऑफ यू एंड फाइनली वी आर लाइक अभी एंटर नहीं हुए, बट इट्स स्टिल मतलब थोड़ा बाहर आ गए, अच्छा लग रहा है मुझे। वी आर लुकिंग फॉर स्टारबक्स टू बी वेरी ऑनेस्ट, वी आर चेंजिंग द करेंसी, हम $US देकर यहाँ के वो ले रहे हैं, क्या कहते हैं, इंडोनेशियन रुपीस, इंडोनेशियन रुपीस ले रहे हैं। आई डोंट थिंक सो यहाँ पर स्टारबक्स है, मुझे यहाँ पे एक भी चार्जिंग प्लग नहीं मिला, मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं है, स्टिल आई एम शूटिंग। 2 million वाओ, 2 million तो मुझे स्नैपचैट पे यूज़ आते हैं बस। दिस इज़ द मनी आई हैव, ये कितना है हमारे पास, ये है अराउंड 1.2 मिलियन इंडोनेशियन रुपया, 1.2 मिलियन वी हैव, 1.2 मिलियन करेंसी करवा ली है चेंज, अब हम जा रहे हैं सिम कार्ड लेने के लिए, ईट समथिंग एट द एयरपोर्ट, बट देयर इज नथिंग एट द एयरपोर्ट, जो वन बॉटल या टू, वी विल हैव वन बॉटल, वी आर लुकिंग समथिंग स्नैक्स एंड ऑल, स्नैक्स वैसे हमारे बैग में है, आई लाइक द स्लीपर्स, नाइस, आई लाइक दिस वन, दिस इज सो क्यूट, देखो कितना प्यारा है, and they have this bags,
and make cute toys. Carrie, we love Carrie. I'm gonna take this. ये बीफ फ्लेवर है, मुझे यहाँ के चिप्स ट्राई करने हैं। ये लुक बट टेम्पटिंग चिकन है, ये तो चिकन है, चिकी ट्विस्ट है, तो चिकन है, चिकी ट्विस्ट खाते हैं फिर। चिकन बनाऊंगा इसके मुर्गा। यस सर, चिकी ट्विस्ट, वी आर हैविंग चिकी ट्विस्ट। हमारे यहाँ पे ये 40 रुपए का मिलता है, यहाँ 20,000 की कोक पी रहे भाई हम लोग। इंडियन में कन्वर्ट करके उतने ही बनते हैं। इंडियन में कन्वर्ट करके उतने ही बनते हैं। स्नैक्स तुमने सही बोला था। मैं तो कुछ खाऊंगी नहीं स्टारबक्स में। चलो बैठते हैं। लुक एट द मेन्यू, मेरे को सब पीने का मन कर रहा है। वाओ, डबल चॉकलेट ग्रीन टी, लेमन आइस शेक एंड पिंक टी। लव देयर मेन्यू। I hope we are taste good na good kare. So this is our food. These are tuna. Look so dry. I don't know why I ordered this sandwich. And cinnamon. Mera bada man tha cinnamon khane ka. So here we go. This is what we order to eat because we are hungry aur hame kuch nahi khaya hai. To ye tuna something penny something kuch hai jo ki mera nahi hai, butler ka hai. This is टूना सैंडविच विच इज़ माइन एंड दिस इज सिनेमन रोल जो कि मेरा बड़ा मन था काफ़ी टाइम से खाने का। ये तो आफ्टर दैट और ड्रिंक्स आर ऑल्सो कमिंग। माई ड्रीम ड्रिंक बेसिकली। इसका रिव्यू बहुत ही बेकार है। बेकार नहीं मतलब खाने लायक है, मतलब जिनको फिश पसंद है, क्योंकि टूना है तो सैसी को बहुत पसंद आता। अब जब मिली है जो ब्रेड देख लो कितनी ड्राई ड्राई से। इसके तो फिश इससे भी गंदी है, फिश बहुत गंदी है। इसके अंदर तो है मेरा तो बासी मछली डाल दो जो है खाने फिर भी ओके है। ये बहुत ओके है, ये बिल्कुल मुंह में डालने लायक नहीं है। दिस इज सुपर गुड। तो मैं मतलब मेरे को बहुत मन था कि मैं इंडिया से बाहर जाऊँ और मैं से स्टारबक्स पीऊँ। Time to try cinnamon, जिसकी माँ बहन कर दिया है बटलर ने। बस बट दिस ड्रिंक इज अमेजिंग। प्रॉबेबली आज आप लोग कह सकते हो कि आई कम्प्लीटेड वन ऑफ माई ड्रीम। इट वॉज अ ड्रीम बिकॉज आई वॉन्टेड टू ट्राई स्टारबक्स आउटसाइड ऑफ इंडिया। कभी मैंने सोचा नहीं था कि मुझे ऐसा मौका मिलेगा, बट आई एम ग्लैड कि मुझे मौका मिला है। आई एम सुपर हैप्पी। अभी हम लोगों ने स्टेप आउट नहीं करा है, हम वी आर स्टिल इन स्टारबक्स। सो लेट्स सी, दिस इज द एयरपोर्ट फ्रॉम आउटसाइड। हम फाइनली बाहर आ गए, वैसे अभी कुछ पता नहीं चल रहा, पर ये एयरपोर्ट है। नाइस नाइस। हमने टैक्सी बुक करी है जो कि पड़ी है 4.5 लाख की। द इंडियन में तो कम है, बताओ 701 रुपए तो बहुत ठीक है, बहुत ठीक है भाई। मतलब इतना तो मुझे नोएडा से अपने एयरपोर्ट में लग जाता है। सो फाइनली हम एयरपोर्ट से बाहर जाने वाले हैं। आर यू एक्साइटेड? ऑफ कोर्स आई एम। ओह लेट मी शो यू क्या क्या है। थोड़ी ना भाई, बट बहुत ज्यादा हो गया। सो लेट्स सी, अब हम जा रहे हैं। आई शो यू द व्यू। इट इज सो ब्यूटीफुल। अरे यार फोकस कर भाई। लुक एट द मून। ओह माय गॉड, दिस इज सो प्रिटी, दिस इज सो प्रिटी। वाओ वाओ। हम अपने कैमरे भैया से पूछने वाले हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज अच्छी है। व्हेन दिस टू व्हीलर, व्हाट यू नो, वेयर कैन आई गेट दिस रेंट? व्हाट टू द स्कूटी? Scooter? Yeah, scooter for rent. You can ask the staff if many in the villa it is good, yeah. We are at the hotel and they are doing something welcoming us. We gonna sit here. Let me sit here. Feeling good. बैलेंस
थैंक यू। तो फाइनली वी आर एट द होटल, उन्होंने बहुत अच्छे से हमारा वेलकम किया है। गॉट आवर वेलकम ड्रिंक, लेट मी ट्राई दिस। जो भी आई लाइक इट। अब मैं आपको ना एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस देती हूँ एंड फील दिस। सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने रूम में और बहुत ही मुश्किल से ऑलमोस्ट कितने घंटे लगे हमें यहाँ, पूरा मतलब 2 घंटे लगे हैं सिर्फ टैक्सी में एयरपोर्ट से आने में। नहीं प्रॉपर फ्लाइट, हमें अगर फ्लाइट लगाई जाए तो 10.5 घंटे की हमारी फ्लाइट है। मोर देन दैट आई गेस। हाँ अगर 1 घंटे का डिले जोड़ो तो 11 घंटे की हमारी फ्लाइट है। 11 घंटे की फ्लाइट है हमारी। उसके बाद फ्लाइट लैंड होने के बाद सारे काम जैसे कि वीजा लेना, वीजा अराइवल की पहले तो आपको रिसीट कटानी पड़ती है, उसके बाद उसकी स्टैंप लगवानी पड़ती है, उसके बाद सिक्योरिटी चेक वगैरह सब मिला के हमें लगे एयरपोर्ट के अंदर हमें 2.5 घंटे आराम से हमारे वेस्ट हुए हैं। और फिर हम स्टारबक्स में बैठे, स्टारबक्स पे तो बैठे इसलिए क्योंकि फोन चार्ज कर रहे थे, फोन में बिल्कुल बैटरी थी 5% बैटरी थी, कोई उसका गुजारा नहीं था। तो फिर 5-5.5 घंटा स्टारबक्स बैठे, उसके बाद भी एयरपोर्ट से हमें होटल पहुंचने में 2 घंटे लगे हैं बाय रोड। तो बहुत मतलब 24 घंटे की जर्नी हो गई पूरी ऑलमोस्ट 24 घंटे की जर्नी हो गई और हम इतने थके हुए हैं अभी। मैं तो याद है को पहली बार तो मेरा वो 5 घंटे तो इजीली निकल गए, बट वो 3 या 4 घंटे मुझे तो वो इतने ज्यादा लंबे लग रहे थे मेरी जिंदगी के। मैं इतनी इरिटेट हो गई थी एंड में मुझे रोना पड़ा क्योंकि मैं बहुत इरिटेट हो गई थी, रोका मुझे थोड़ा हल्का फील हुआ। बट या उसके बाद हम बाहर निकले, उसके बाद मुझे बेटर लग रहा था, बट उसके बाद मैंने लाइनें देखी जो कि बहुत लंबी लंबी थी, बट फिर वर्थ है, अच्छी जगह है, बहुत पीसफुल है। मैंने आपको सुनाई है आवाज कितनी पीसफुल है जगह। ओके सबसे पहले आपको ना एक ऐप डाउनलोड करना है, क्या नाम है उस ऐप का? लिलीपुदा सब लिख, वी डोंट नो, हेल्थ ऐप है बेसिकली जो कोविड जैसे आरोग्य सेतु, जैसे हमारे आरोग्य सेतु है दुबई में, DXV भी ऐप है, जैसे आप ट्रैवलर्स को डालनी पड़ती है वैक्सीनेशन को ट्रैक करने के लिए, वैसे यहाँ पे लिलीपुदांग कोई ऐप है समथिंग, वो आप कैप्शन में लिख देना, वो एयरपोर्ट में आपको बता देते हैं वो बता कि कौन सा ऐप है, बोर्डिंग के टाइम पे ही बता देते हैं वो। ठीक है तो वो आपको डाउनलोड करना है और उसमें अपना लॉगिन करना है और एयरपोर्ट में आपको अपने ऑब्वियसली आपका फुली वैक्सीनेटेड का सर्टिफिकेट, RT-PCR सर्टिफिकेट, वो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है, उनको सर्टिफिकेट के दिखा दो प्रिंट आउट एंड दे जस्ट लेट यू गो, कुछ नहीं पूछते और टिकट दैट्स इट। यहाँ पे पहुंचने के बाद आपको चाहिए सबसे पहली बात, हम लोग ने कहाँ गए सबसे पहले बात, सबसे पहले तो हमने वो कर दिखाया था ना वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट दिखाया हमने। हाँ सबसे पहले बात हमारी, हाँ वैक्सीनेट का सर्टिफिकेट दिखाया, उसके बाद फिर वीजा ऑन अराइवल की टिकट वो ली, रिसीट कटवाई, $35 पर पर्सन है यस कॉस्ट उसकी। तो यहाँ पे जो वीजा ऑन अराइवल है वो $35 है। देन उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमें इमिग्रेशन पे उसी की स्टैंप लगवानी थी ना, हाँ जिसपे बहुत लंबी लाइन थी। ठीक है बट यहाँ पे लोग बहुत स्वीट है, बहुत ज्यादा स्वीट है, वो इमिग्रेशन वाले भी बहुत स्वीट थे। और उसके बाहर भी मतलब जब हम लोग गए थे अपना सिम लेने के लिए, सिम वाली वो लड़की भी बहुत स्वीट थी, सिम भी इजीली मिल गया था 5 मिनट के अंदर, बहुत इजीली सब कुछ मिल गया था। और इवन दो होटल के बाहर जो हमें जो लेडी ग्रीट करी थी वो भी बहुत स्वीट है, मतलब यहाँ पे लोग बहुत स्वीट है, इवन तो हमारा कैब ड्राइवर भी बहुत स्वीट है, बहुत प्यार से बात करते हैं, विच इज नाइस, आपको अच्छा लगता है। हो सके तो प्लीज अच्छा बैग कैरी मत करना बिकॉज वो मेरा बैग तोड़ चुके हैं। तो वो कपड़े वाला बैग आता है ना, जैसे मेरे को बटलर ने बोला था कि महंगा बैग मत कैरी करना, चीप बैग कैरी करना, बिकॉज वो ये जो फेंकते हैं, ये जो होते हैं ना स्टाफ जो होते हैं मेन जो एयरलाइन स्टाफ होते हैं उठा उठा के पटकते हैं बैग को, तो इसलिए मेरा बैग टूट चुका है। मैंने एक लड़की का देखा उसका बैग की तो बहुत ही गंदी हालत थी, तो बैग बचा ही कहां था, हाँ, उसका सारे व्हील टूटे हुए थे उसके, आई गेस बहुत ही गंदा हालत, एक व्हील तो गायब था और व्हील सारे उसके टूटे हुए, उसका बैग पूरा क्रैक था। तो आप कोशिश करना कि ऐसे बैग ना लाओ, कपड़ा वाला बैग ले आओ, वो बेटर आपके लिए। उसके बाद हम लोग बाहर निकले, आपको इजीली आपको वहां से फिर आपको करेंसी चेंज करानी है, पहले हमने करेंसी चेंज कराई, उसके बाद फिर इंडियन करेंसी यहाँ के चेंज मत कराना, बहुत गंदा रेट मिलता है, US डॉलर्स लेके आना इंडिया से फिर चेंज कराना। ओके गाइस US डॉलर लेकर आना, कैश इज किंग, यहाँ पे कैश इज किंग वाला सिस्टम है, सब सारी ट्रांजेक्शन कैश में ही होती है, कार्ड नहीं चलते, UPI तो है ही नहीं यहाँ पे, UPI सिर्फ इंडिया में ही चलता है,
यहाँ पे UPI नाम की चीज नहीं है तो आपको तो कैश करके ना, बट कैश भी बहुत ध्यान से, बिकॉज हमने इतनी वीडियोस देखी और लोगों ने भी बताया है बटलर को कि यहाँ पे बहुत ज्यादा थोड़ी चोरी चपाटी भी होती है। और बड़े बड़ा अमाउंट मत कराना, जैसे अगर आप $500 आपका बजट है तो 100-180 डॉलर करके चेंज करो, क्योंकि बड़े बड़े बंडल मिलते हैं, बड़े बड़े नोट मिलते हैं यहाँ पे। एक ही बार में ना बहुत बड़े बड़े लाख लाख रुपए का नोट मिलता है, और यहाँ पे बहुत सारे आपको इजीली हर जगह पे करेंसी चेंज करने के लिए भी मिल जाएगा, तो इट्स बेटर आप मतलब अपना कैरी करके रखो। हर मार्केट में दुनिया जहान के वेस्टर्न यूनियन थॉमस कुक सबके ऑफिस खोले हुए करेंसी एक्सचेंज, ठीक है। और आई थिंक बस इतना काफी आप सबके लिए। हमारी फ्लाइट की टिकट कितनी थी? फ्लाइट की टिकट हमें कॉस्ट करी, हमने तो सबसे सस्ती वाली कराई थी VietJet, जो कि मत कराना, बहुत ही बेकार है, बहुत वाहियात एयरलाइन है। इट कॉस्ट अराउंड 36,000। हाँ, आने जाने की टिकट हमारी 36,000। हाँ, थोड़े अगर कंजूसी ना करो, हमारी तरह गलती मत करना, थोड़ी अच्छी एयरलाइन करा लेना, बहुत ही बेकार है। इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस, चाहे 10-15,000 एक्स्ट्रा जाते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस में बहुत डिफरेंस आ जाता है। Pathetic experience for VietJet, I would say. Pathetic. पहली इंटरनेशनल फ्लाइट देखी जो पानी भी बेच रहे हो, वो भी $2.5 का। हाँ। मतलब ये इतनी अच्छी एयरलाइंस नहीं है, बट अगर आपके बजट में है तो प्लीज आप Melindo, you can go with Melindo और Thai Airways. Thai Airways तो सबसे बेस्ट है। Okay. बट हमारी तो वापसी जानी इसी में है, तो हो गई गलती, आप मत ये गलती करना, ठीक है। और बस इसके आगे जो भी होगा मैं आपको बताऊंगी। अभी हमारा होटल का आएगा टूर और मैं आपको पूरा व्लॉग दिखाऊंगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, कितना कॉस्ट कर रहा है, सब कुछ बताऊंगी इस वीडियो पे। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज, आपको सब पता चल गया। प्लीज अगर कुछ भी क्वेश्चन है तो कॉमेंट डाउन बिलो, लेट अस नो। एंड दिस इज वेरी नाइस प्लेस, बहुत सुंदर है। अभी तो दिन में देखने में पता चलेगा, अभी तो हाँ अभी वैसे हम लोग ज्यादा देख नहीं पाए, जितना भी देखा कैब से देखा झक झक के बाहर, बट अभी वो नेक्स्ट व्लॉग में आएगा, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। ओके गाइस, और अभी राइट नाउ आई एम इन माय होटल रूम, हम पहुंच चुके हैं, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और इसका भी रूम टूर आ सकता है, देख सकते हो ये, बिकॉज ये बहुत सुंदर है, मैं नहीं दिखाऊंगी तुम लोगों को, तो वो हम टूर में दिखाएंगे नेक्स्ट व्लॉग में, ठीक है, जिसमें पूरा व्लॉग मैं कवर करूंगी बाली का। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, ओके गाइस, लव यू, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू आउट, एंड दिस इज माई फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप। मैं सच बताऊं तो मैं बहुत ज्यादा नर्वस थी, और जो कि सच में मेरे साथ ऐसा हुआ, ठीक है, मेरे को रोना पड़ा आखिर में दो बार, तो क्योंकि इतने घंटे बैठने इतने घंटे बैठना है, मेरे को पता था मैं नहीं सर्वाइव कर पाऊंगी इतने घंटे बैठने, वट एवर इट इज। चलो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अभी इसको यहीं खत्म करते, वी आर सो टायर्ड, अब मेरे को शावर लेना है, कपड़े बदलने हैं, अच्छा दिखना है, तो आई वांट ईट समथिंग नाइस। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू बेस्टी, आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू आउट, और प्लीज मस्ट ट्राई स्टारबक्स जब आप लोग यहाँ पे आओगे, बिकॉज इंडिया से बहुत अलग स्टारबक्स होता है। हाँ प्लीज खाना मत मंगाना, क्योंकि उस खाने में कुछ खास नहीं था। हाँ यू कैन स्वीट्स अच्छी हैं, हाँ बट ये सैंडविचेस वगैरह मत खाना, बिकॉज वो टूना वगैरह है, फिशी टेस्ट था कुछ। ओके 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 ओके, बाय, लव यू, प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, लाइक दिस वीडियो, लव यू, बाय।